जय गंगे मैया, हर हर महादेव। दोस्तों, आज 13 नवंबर के दिन आपका एक बार फिर से स्वागत है हरिद्वार हर की पौड़ी से। आज की इस वीडियो में हम आपको हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो अगर आप चैनल पर नए हैं तो। देखिए, अभी मैं शिवघाट पर हूँ। देखिए, यहाँ पर जो पिपलेश्वर महादेव का मंदिर है, आप देख सकते हैं काफ़ी महिलाएं हैं जो पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर पहुँची हैं। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, माँ गंगा के दिव्य दर्शन कराऊंगा। दोस्तों, ताज़ा जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, यात्रा से जुड़ी ताज़ा जानकारी हम देंगे। दो दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है तो उसके भी बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। देखिए, पहले यहाँ पर दुकानें नहीं लगती थी, देखिए अब यहाँ पर दुकानें भी लगनी शुरू हो गई हैं। ये दृश्य आप देख रहे हैं शिवघाट के, और सामने देखिए अद्भुत दृश्य माँ गंगा के। आजकल माँ गंगा में जो जल है वो नीला और पारदर्शी आ रहा है, देखिए अद्भुत दृश्य। अभी मैं आपको और आगे लेके चल रहा हूँ। जैसे जैसे कार्तिक पूर्णिमा का स्नान नज़दीक आ रहा है तो श्रद्धालुओं का जो क्राउड है बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु देखिए शिवघाट पर स्नान कर रहे हैं। दोस्तों, अगर बात करूँ मौसम की तो हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर धीरे धीरे जो ठंड है ना वो बढ़ रही है। अभी वैसे टेम्परेचर नॉर्मल बोल सकते हैं। अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर हरिद्वार आ रहे हैं, स्नान करने के लिए आ रहे हैं, तो आप जो हल्के गर्म कपड़े हैं इनर टाइप में लेकर आ सकते हैं। आपको भारी गर्म कपड़े लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो, ज़्यादातर श्रद्धालुओं ने देखिए नॉर्मल कपड़े ही पहने हुए हैं। और आगे लेके चल रहा हूँ मैं आपको। सामने जो दृश्य देख रहे हैं ना, ये शिव पुल है। शिव पुल से आप हर की पौड़ी की ओर जा सकते हैं, और शिव पुल के सामने ही अगर सामने की ओर जाएंगे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग है। यहाँ से पार्किंग जाने का भी रास्ता है। देखिए, ये जो रास्ता है पार्किंग जाने का रास्ता है। अभी हम शिव सेतु से आपको लेके चलेंगे मुख्य हर की पौड़ी पर। राम 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 जी। दोस्तों, भी आप दृश्य देख रहे हैं धनुष सेतु के बिल्कुल सामने माँ गंगा के, देखिए अद्भुत दृश्य है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में जय गंगे मैया हर हर महादेव लिख दो। देखिए कितने अद्भुत और मनमोहक दृश्य लग रहे हैं माँ गंगा के। नीले रंग का बिल्कुल पारदर्शी जल देखने के लिए मिल रहा है। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ आगे की ओर। देख सकते हैं शिव सेतु पर जो श्रद्धालुओं का मूवमेंट है वो लगातार बढ़ रहा है, और यहीं से आपको माँ मनसा देवी के भी दिव्य दर्शन हो जाएंगे। कमेंट में जय माता दी भी लिखते रहें। और शिव सेतु के ऊपर भी आपको बड़ी दुकानें मिल जाएंगी। देखिए, यहाँ से आप विभिन्न प्रकार की मालाएं और गर्म कपड़े, रुद्राक्ष, सब कुछ यहाँ से खरीद सकते हैं आप। आगे तक काफ़ी दुकानें लगी हुई हैं। देखिए, इस साइड में आपको काफ़ी जो निर्धन और गरीब लोग हैं ना वो मिल जाएंगे, जिनको आप दान कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी कार्तिक पूर्णिमा पर आते हैं श्रद्धालु सभी दान करते हैं और गरीबों को भोजन कराते हैं, वो यहाँ पर करा सकते हैं। दोस्तों, भी आप ताज़ा दृश्य देख रहे हैं नाई घाट के। देखिए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, और अभी सभी ना मैक्सिमम नॉर्मल श्रद्धालु आ रहे हैं जो स्नान करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और जो पितरों के लिए विशेष पूजा संस्कार कार्य कराने के लिए आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बहुत कम है। अभी मैं आपको ताज़ा दृश्य दिखा देता हूँ। देखिए, बड़ी गंगा के नाई घाट के सामने देखेंगे तो यहाँ पर ना घाट पर जल बहुत कम है, और देखेंगे काफ़ी श्रद्धालु जो आगे जाके स्नान कर रहे हैं। आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गहरा गड्ढा है, आप कभी भी गहरे जल में जा सकते हैं और आगे की ओर बह सकते हैं। हालांकि देखेंगे ना आगे काफ़ी सेफ्टी जंजीर भी यहाँ पर लगाई हुई है। दोस्तों, अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ भागीरथी सेतु पर। भागीरथी सेतु से आपको माँ गंगा के अद्भुत और दिव्य दर्शन कराऊंगा। दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करते रहें, कमेंट में जय गंगे मैया हर हर महादेव लिखते रहें। देखिए, अभी आप भागीरथी सेतु से माँ गंगा के अद्भुत और दिव्य दर्शन कर रहे हैं। देखिए, यहाँ भी गंगा जल थोड़ा सा कम है, श्रद्धालु सभी रेलिंग को क्रॉस करके अंदर की ओर स्नान कर रहे हैं। बाकी एक दृश्य आप मुख्य नाई घाट के देखेंगे तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने पितरों के लिए विशेष पूजा कर्मकांड कराने के लिए पहुँचे हैं। बाकी दृश्य देखेंगे यहाँ से संजय ब्रिज के, तो ठीक ठाक भीड़ देखने के लिए मिल रही है संजय ब्रिज पर। आज एक प्रकार से बोल सकते हैं नॉर्मल डे है, कल एकादशी का स्नान था, भारी भीड़ हर की पौड़ी पर उमड़ी थी। आज बुधवार है आज, तो कल से 14 तारीख से देखेंगे ना भारी भीड़ हरिद्वार के अंदर देखने के लिए मिली, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान है वो चालू हो जाएगा। और देखिए, वो है धनुष सेतु भी पूरा खाली पड़ा हुआ है। धनुष सेतु से आप हाईवे की साइड में चले जाएंगे, जबकि जो संजय ब्रिज है इसकी सहायता से आप मनसा देवी की साइड में चले जाएंगे।
नाई घाट के प्लेटफॉर्म पर आप भीड़ देख सकते हैं, कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आप भी कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर हरिद्वार की यात्रा पर आना चाहते हैं, स्नान करने के लिए आना चाहते हैं, तो कुछ सावधानियां आपको बरतनी पड़ेंगी हरिद्वार हर की पौड़ी पर। देखिए, काफ़ी भीड़ इकट्ठी होगी यहाँ पर, तो आपको सावधानी के साथ स्नान करना पड़ेगा, अपने सामान की स्वयं रक्षा करनी पड़ेगी, अपने परिवारजनों का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये कुछ सावधानियाँ हैं। अभी मैं आपको और आगे लेके चल रहा हूँ। देखिए, मैं पहुँच गया हूँ घंटाघर चौक पर। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर ना तीर्थ पुरोहित मिलते हैं, लेके चलता हूँ तीर्थ पुरोहितों की साइड में, जो विशेष पूजा करते हैं गंगा मैया की। अगर आपको किसी प्रकार की पूजा करानी है तो यहाँ पर आप पूजा करा सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर क्राउड रहने का, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजिंग रूम है, आपके साथ आई महिलाएँ आराम से स्नान कर लेंगी और यहाँ पर आराम से अपने कपड़े चेंज कर सकती हैं। दोस्तों, भी मैं पहुंच गया हूं मुख्य ब्रह्मकुंड घाट के बिल्कुल सामने। ये वही घाट है जहां पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का आयोजन किया जाता है। अगर आप गंगा आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप शाम को 5:45 पर यहां पर आ जाएं और गंगा आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह की बात करूं, सुबह 6:10 पर गंगा आरती होती है। ये गंगा आरती की टाइमिंग है। इसी स्थान पर माँ गंगा की डोली आती है और गंगा मैया का पूजन होने के पश्चात गंगा आरती होती है। देखिए, ये सभी तीर्थ पुरोहित हैं जो माँ गंगा की विशेष पूजा करते हैं और आप यहां पर विभिन्न प्रकार के जो संस्कार कार्य हैं वो भी करा सकते हैं। और दोस्तों, महिला घाट के सामने अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं स्नान करने के लिए। देखिए, यहाँ पर पितरों के लिए विशेष पूजा चल रही है। दोस्तों, यह है ताज़ा दृश्य है 13 नवंबर के दिन, दोपहर का समय होकर रखा हुआ है। देखिए, आज हल्की हल्की ठंडी ना महसूस हो रही है। सामने आपको माँ गंगा के दिव्य दर्शन हो जाएंगे। अगर ऋषिकेश के क्राउड की बात करूं तो ऋषिकेश में भी ठीक ठाक क्राउड देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जो भी श्रद्धालु हरिद्वार की यात्रा पर आ रहे हैं वो ऋषिकेश घूमने के लिए लगभग जाते ही हैं। तो ऋषिकेश में ठीक ठाक क्राउड देखने के लिए मिल रहा है। ऋषिकेश में एडवेंचर एक्टिविटी भी चालू है, तो इस वजह से वहाँ पर एक्स्ट्रा क्राउड देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो आपको क्राउड मिलेगा, जाम भी मिलेगा शहर के अंदर, और हाईवे पर तो जाम नहीं मिलेगा। बाकी आप मनसा देवी, चंडी देवी आराम से चले जाएंगे, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आराम से दर्शन कर लेंगे। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, आधा आधा घंटे या एक एक घंटे आपको लाइन लगना पड़ेगा। बाकी उड़न खटोले की बात करूँ, उड़न खटोले में भी आपको वेटिंग देखने के लिए मिलेगी, लगभग 1.5 या 2 घंटे की आपको वेटिंग मिलने वाली है। नीलकंठ महादेव पर आपको क्राउड देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम श्रद्धालु आजकल नीलकंठ महादेव की यात्रा कर रहे हैं। तो ये है ताज़ा हालात मंदिरों के, और बाकी पवित्र स्थानों पर भी आपको काफ़ी भीड़ देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जो भी कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने के लिए आते हैं वो मनसा देवी, चंडी देवी तो जाते भी हैं और अनेक स्थान भी घूमने के लिए जाते हैं। तो ये है ताज़ा अपडेट 13 नवंबर के दिन की। और रूम्स की बात करूं, रूम्स भी आपको हरिद्वार के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन आपको सर्च करना पड़ेगा। अगर आप आ रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा पर तो प्री बुकिंग करा कर आ जाएं, बेटर रहेगा। आप जगह जगह नहीं भटकेंगे, आप प्री बुकिंग करा लेंगे होटल की तो अच्छा रहेगा, आप आराम से स्टे कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अगर आप आश्रम या धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग आपको ऑफलाइन ही करानी पड़ती है, इनकी बुकिंग ऑनलाइन कभी नहीं होती है, तो इसलिए आपको आकर ही बुक कराना होगा। तो अगर आपको रूम में मिलने में कोई दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। तो यह है ताज़ा अपडेट हरिद्वार की 13 नवंबर के दिन की। दोस्तों, इन्हीं ताज़ा दृश्य और ताज़ा अपडेट के साथ ही आज इस वीडियो को क्लोज करते हैं। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट अपडेट वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।